नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र लौगुर में 4 मई की दोपहर को जंगल में भीषण आग लग गई और जंगल धू धू करके जलते रहा। जिस जगह जंगल जल रहा था वहां से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी और बीट गार्ड का सरकारी आवास बना हुआ है, लेकिन वहां वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं था। लापरवाही और कर्तव्यविहीनता का आलम यह है कि जिनके जिम्मों वन की सुरक्षा है वो ना तो अपने फील्ड में ड्यूटी दे रहे हैं ना ही अपने मुख्यालय में रहते हैं, जिसकी वजह से इन दिनों जंगल की सुरक्षा भगवान भरोसे बनी हुई है। वन विभाग के कुछ कर्मचारी और अधिकारी तो ऐसे भी हैं जो कोविड का बहाना बनाकर अपने अपने घरों में आराम फरमाते हुए सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। इनकी दोबारा कोविड की जांच की जानी चाहिए, तब सारा सच बाहर आएगा। बहरहाल घटना की सूचना तत्काल दक्षिण वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी को मोबाइल पर देते हुए स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा बालाघाट से टीम भेजकर जल्द जंगल में लगी आग को बुझाने की बात कही गई है। इस दौरान जहां आगजनी हुई उस वन क्षेत्र में जिन वन कर्मियों और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी की ड्यूटी थी उन्हें भी घटना की जानकारी देने फोन लगाया गया, लेकिन उन सभी का मोबाइल बंद बताते रहा।